ये हमारी क्लास नंबर 132 रहेगी और एक्सरसाइज 131। आज का जो रूट वर्ड है हमारा वो ईगो है, जिसे लास्ट में समझा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इंटरफेयरिंग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनकी हिंदी नहीं लिखवाता, टाइम बचता है और वीडियो जल्दी बच्चे कर रहे हैं, बढ़िया है। तो सिनोनिम जो है इसका बच्चों बन जाएगा मेडलसम, क्योंकि इंटरफेयरिंग का मतलब होता है हस्तक्षेप करने वाला, टांग अड़ाने वाला। तीसरा आंसर है। अच्छा, क्वाइट की बात करेंगे तो वो इसका एंटोनी में शांत। मोमेंटस की बात करेंगे तो वो महत्वपूर्ण है। और लुगुब्रियस की बात करेंगे तो ये आलसी, सॉरी दुखी होता है, उदास। एडवर्सिटी विपत्ति परेशानी, तो सिनोनिम क्या बनेगा इसका, मिशप। मेटिक्यूलस की बात करेंगे तो अति सावधान, अल्ट्रा केयरफुल या वेरी केयरफुल। मोडिकम अल्प मात्रा, स्मॉल अमाउंट। बात करेंगे मेहम की तो मेहम का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है अव्यवस्था, चैओस वगैरह। तो इसका सिनोनिम अगर चाहिए आपको तो एक लिख सकता हूँ मैं, चैओस। दूसरे का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है फिर, गुड लक पीस, इसका मतलब है ऐसी कोई चीज़ जिससे अच्छा भाग्य हो जाए, जिसे बोलते हैं शकुन। तो इसका जो सिनोनिम रहेगा हमारा वो चौथा है। अगर मेलियो की बात करेंगे तो इसका सिनोनिम बन जाएगा एनवायरनमेंट, जो कभी कभी आपके सामने आए उनके मैं मीनिंग लिख देता हूँ। मेली की बात करेंगे तो ये स्टैम्पिड होती है, भगदड़। टाइकून की बात करेंगे तो इसके लिए बन जाएगा मैग्नेट, अपने व्यवसाय में बहुत रसूख वाला व्यक्ति। आंसर चौथा है। फिर बात करेंगे केयरलेस, तो ये लापरवाह होता। सिनोनिम पूछते तो आंसर होता रेकलेस, लेकिन एंटोनिम पूछा है तो आंसर है मेटिक्यूलस, क्योंकि ये अति सावधान होता है। और मैरिटल, ये मार्शल नहीं है, ये मैरिटल है, ये होता परटेनिंग टू मैरिज, विवाह संबंधी। परटेनिंग टू मैरिज ये हो गया विवाह संबंधी। बात करेंगे अगर मॉर्टल की तो ये होता है जिसे मरना ही है, पेरिशेबल। सिनोनिम इसके ये नोट कर लेना आप इसे, जो ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। द लेजी स्टूडेंट ट्राइड, आलसी छात्र ने कोशिश करी टू। वैन इट वॉज टाइम टू वर्क ऑन हिज एस्से, जब निबंध पर काम करने का टाइम आया तो जो लापरवाह या आलसी छात्र है उसने बहाना कर दिया कि मैं काम नहीं करूँगा, बीमार हूँ। तो बीमार हो करके काम से बचने के लिए वर्ब जो आती है वो मेलिंजर होती है। मॉलीफाई की बात करेंगे तो ये तो शांत करना होता है, अपीज, इसकी ज़रूरत यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि आलसी बता रहा है ना इसे, तो ये काम से जी चुराएगा। मेलाइन की बात करेंगे तो ये होता है डिफेम या हार्मफुल भी होता है। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ कर देना, सिनोनिम हो गया पार्डन। फिलहाल जो आंसर है वो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 6, ए पर्सन हु इज़ रिच, पावरफुल एंड सक्सेसफुल स्पेशली इन बिजनेस, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय में बहुत ज़्यादा अमीर, ताकतवर और कामयाब हो, जैसे आप कह सकते हैं अंबानी फैमिली के लोग या अडानी या और भी बहुत सारे लोग जो अपने फील्ड में कामयाब हों, जैसे रतन टाटा और भी बहुत सारे, तो ये सब लोग कहलाते हैं बच्चों मैग्नेट। पॉन की बात करेंगे तो ये प्यादा भी होता है, जो एक शतरंज के खेल का सबसे छोटा हिस्सा होता, और अगर ये वर्ब होगा तो इसका मतलब गिरवी रखना भी होता है, गिरवी रखना। मैस्कट की बात करेंगे तो ये होता है गुड लक। और मिसक्रिएंट की बात करेंगे तो ये होता है क्रिमिनल, अपराधी। 6 का आंसर दूसरा है। 7 की बात करते हैं, द टू पार्ट्स ऑफ हिज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होता है किसी के द्वारा कही गई बात, यानी कि कथन। तो उसके कथन के जो दो हिस्से हैं, एक उसने पहले बाद में बोला, दूसरा बाद में बोला उसने, तो उसके कथन के दोनों हिस्से जो हैं वो हैंग टुगेदर नहीं करते हैं। हैंग टुगेदर का मतलब होता है लॉजिकल नहीं लगते हैं, तो इसका मतलब होता है लॉजिकल लगना। और यहाँ पे नॉट है तो लॉजिकल नहीं लगते, यकीन नहीं होता उसकी बात पे, झूठ सा लग रहा है उसकी बातों में, ये इसका मतलब है। टर्नओवर होता है पलट जाना, कैप्साइज, नाव का पलट जाना या वाहन का पलट जाना, या कोई व्यक्ति सोते टाइम करवट ले तो भी आएगा। हैंग राउंड विद का मतलब होता है आवारा घूमना, मौज मस्ती करना। बिलो ओवर का मतलब होता है पास, बुरे समय का गुजर जाना। आंसर जो है वो दूसरा है।
दे होप्ड दैट, उन्होंने उम्मीद करी कि, उन्होंने ऐसी उम्मीद करी कि द डिस्टर्बेंसेज, जो परेशानियां हैं, वुड सून बिलो ओवर। जब बुरे समय का गुजरना बताना हो तो हम लगाते हैं आंसर बिलो ओवर, आंसर चौथा होगा। नो की बात करेंगे, हमड्रम, ये होता है बच्चों बेकार सा, उबाऊ सा, आंसर लगा देंगे चौथा। इसके मीनिंग ध्यान रखना, वर्ल्डली भी होता है, वर्ल्डली दुनिया का, और इसका एक सिनोनिम ट्राइट और वो भी है जो ऊपर है, ये भी होता है, ये होता है घिसा पिटा सा, बेकार सा। मिसक्रिएंट, क्रिमिनल, मैग्नेनिमस के लिए बन जाएगा बच्चों, उदार, बड़े दिल वाला यानी कि लिबरल। मैहम के लिए बन जाएगा चेओस या डिसऑर्डर, इसके हैं दोनों ये। फिलहाल आंसर जो है नो का वो चौथा हो जाएगा। दस की बात करेंगे, द एक्सीडेंट शार्पली ब्लैंक द वैल्यू ऑफ द कार। दस, ग्यारह, बारह नंबर पे अक्सर मैं वो देता हूं जो पहले करवा चुका हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो एक्सीडेंट ने तेजी से कार की कीमत, आपको याद है जब किसी चीज की कीमत कम हो जाती है तो डेप्रिसिएट आता है, तो ये बता रहा है एक्सीडेंट होने से क्या होता है, कार की कीमत एकदम से घट जाती है, या एक्सीडेंट ने कार की कीमत तुरंत घटा दी, बहुत कम हो गई इसकी कीमत। ये आलोचना करना होता है, असहमति जताना, देश से प्रूव करना कि हाँ मुझे ये बात पसंद नहीं है, इस टाइप से। एप्रिशिएट जो है ये तारीफ करना होता है बच्चों, पसंद करना किसी चीज़ को, एप्रिशिएट करना। एवरेज का मतलब होता है छोटा कर देना, किसी किताब के अंश को काट करके उसका हिस्सा छोटा कर देना। फिलहाल आंसर 10 का चौथा हो जाएगा। अब यही बार बार घूमते रहेंगे आपके सामने, आप पहचानो इसे। तो वी ब्लैंक द यूज़ ऑफ कंपनी फंड्स, तो वो कह रहे हैं कि कंपनी का जो फंड है उसका इस्तेमाल करना राजनीतिक इरादों से, हम इस बात के खिलाफ हैं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। आंसर 11 का जो है वो पहला हो जाएगा, बाकी यूज नहीं होंगे। अगर 12 की बात करेंगे तो द बुक हैज़ बीन ब्लैंक, बता रहा है ए रीडेबल लेंथ, यानी कि उसकी लेंथ कम करके पढ़ने लायक कर दी गई है, छोटी कर दी गई है, तो इसका काम यही तो होता है ब्रिज का, तो किताब को छोटा किया जा चुका है पढ़ने लायक लंबाई के लिए। हैट्रिड का मतलब होता है घृणा, नफरत, ईर्ष्या, तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो मेलवलेंस बनेगा। बच्चों मैलिएबल का मतलब होता है पिटवा। अब पिटवा का मतलब क्या है, ऐसी धातु जिन्हें अगर आप पीते हैं या उस पर चोट मारें तो वो टूटेगी नहीं, बल्कि वो आकार दूसरा ले लेगी, कोई सा टूटेगी नहीं एकदम से, तो मैलिएबल होती है, इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मैग्नेनिमस आपने पढ़ी लिया, लिबरल, उदार, और मेला प्रोपोस जो है हमारा, इसका मतलब होता है, मेले प्रपोज का मतलब अभी बता रहा हूं मैं, भूल गया इसका मीनिंग, बताऊंगा आपको। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, इसका मतलब होता है मेहनत करना या कुछ कोशिश करना, ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने की कोशिश करना या मेहनत करना। तो इसके लिए आपको एक शब्द दिया था मैंने, एंडेवर, याद है आपको, प्रयास करना या प्रयास, यही होगा। एंड डेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, एंड डेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, यानी कि जो आजकल हम बहुत ज़्यादा एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे हम पृथ्वी को खतरे में डाल रहे हैं, या अगर हम शेर का या किसी जानवर का या जानवरों को शिकार कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो हम इनकी प्रजातियों को एंडेंजर, खतरे में डाल रहे हैं, तो आ जाएगा एंडेंजर्ड स्पीशीज, खतरे में पड़ी हुई प्रजाति को, इस टाइप से आएगा ये। हार्डवर्किंग, मेहनती होता है, तो एडजेक्टिव है, हमें बताना था कोशिश करना मेहनत से कुछ हासिल करने की, तो प्रयास होता है वो। इंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई एसे वगैरह लिखते हो तो आपने लिखना शुरू किया, फिर आप एक नया पैराग्राफ बनाओगे, फिर नई लाइन से शुरू कर दोगे ऐसे करके, तो ये जो आप नई लाइन से शुरू कर रहे हो इसी को बोलते हैं इंडेंट, यानी कि एक पैराग्राफ खत्म करके फिर से नई लाइन से शुरू करना बीच में से, इसका मतलब इंडेंट होता है। अच्छा, पीछे वाले का जो मीनिंग था मैंने देखा अभी, तो मेल प्रपोज का मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट, अनुपयुक्त, इनएप्रोप्रिएट शब्द मेरे लिए भी नया था, मैंने देखा नहीं पहले इसे ज़्यादा। 13 का आंसर दूसरा हो जाएगा, इसका आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, बच्चों ये हो गए एंटोमोलॉजी, पेपर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन ये। जियोलॉजी की बात करेंगे तो ये होती है द स्टडी ऑफ
द स्टडी ऑफ द अर्थ, द स्टडी ऑफ द अर्थ। इकोलॉजी की बात करेंगे तो ये होता है द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट। इसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी विज्ञान ये हो जाएगा। बायोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें आता है द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग्स, इंसान का शरीर कैसे काम करता है इसके बारे में जानकारी, तो ये होता है हमारा बायोलॉजी। आंसर 15 का जो है वो पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्लास नंबर 132 है। आज का पहला क्वेश्चन है मेंटर, ये होता है बच्चों मेंटर जो राय देता हो, अच्छी सी सिखाता हो, सलाह देता हो, तो सिनोनिम बन जाएगा काउंसलर। और भी सिनोनिम है इसके, जैसे टीचर बन जाएगा, गाइड बन जाएगा, ठीक। पॉन के लिए मैंने बता दिया था आपको सिनोनिम हाइपोथिकेट, गिरवी रखने के रूप में। और प्यादा है तो बन जाएगा फिर इसके लिए अलग मिनी। मैस्कट की बात करेंगे तो बच्चों ये होता है गुड लक, अच्छा भाग्य लाने वाली कोई चीज़। मोनोटोनी की बात करेंगे तो ये उबाऊपन होता है बच्चों, उबाऊपन, एक चीज़ें करने, एक जैसी चीज़ें करने से होने वाली जो उबाऊपन होता है, मज़ा नहीं आता फिर चीज़ें करने में। जैसे हो सकता है कि मेरी वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं तो आपको एहसास हो रहा होगा यार ये चलता जा रहा रोजाना, ये चलता जा रहा तो मज़ा नहीं आ रहा होगा, आप चाहते हो कुछ बदलाव हो इसके अंदर। मैं नहीं करूंगा अभी बदलाव, मुझे ये क्लास पूरी तैयार करनी है बढ़िया करके, इसका परिणाम क्या रहेगा वो देखेंगे वो बच्चे, तो पूरी क्लास पढ़ के जाएंगे पेपर देने और देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन इसी क्लास में से है। तो ये मोनोटोनी है आपके अंदर कि सर सब कुछ वही है पहले वाला, और क्या लाऊं मैं इसके अंदर, क्या दूं मैं आपको, मैं तो वो दे रहा हूं तो पेपर में काम आएगा आपके, तो कोई बात नहीं आप देखना देखें, लेकिन हाँ ये मोनोटोनी है आपके अंदर हल्की सी, इस पर काबू पाना आपको ज़रूर पड़ेगा, तभी आप इस वीडियो को आगे बढ़ा पाएंगे और तभी आप लोग वो जो पेपर में आने वाला है उसका सामना कर पाओगे। ये होता है बच्चों बोर्डम, उबाऊपन, आंसर पहले का दूसरा हो गया। फिर आते हैं, अभी बताया था देखो मोनोटोनी, उसका सिनोनिम क्या बन जाएगा, बोर्डम, पीछे लिख लिया आपने। ऑटोनोमी का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि बाहर से कोई चीज़ आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती है, आप इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड हैं आप, ऑटोनोमी है आपके अंदर, तो इंडिपेंडेंस बन जाएगा इसका, इंडिपेंडेंस, ठीक। मेडल की बात करेंगे तो हस्तक्षेप करना होता है, इंटरफेयर सिनोनिम है इसका। बात करेंगे मैली की तो स्टैम्पिड बन जाएगा, भगदड़, आंसर दूसरे का तीसरा हो जाएगा। तीसरे की बात करेंगे माइग्रेटरी, ये खास तौर से जानवर और पक्षियों के लिए आता है जो हर साल अपनी जगह छोड़कर मौसम को भाप कर दूसरे के चले जाते हैं, गर्मी वाले हों तो गर्मी की जगह चले जाते हैं, सर्दी वाले सर्दी की जगह, तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी एनिमल्स हो सकते हैं। तो माइग्रेटरी का जो सिनोनिम रहेगा हमारा वो बन जाएगा वांडरिंग। एंटोनिम पूछते तो रेजिडेंट होता, क्योंकि ये होता है निवासी, तो ध्यान दें माइग्रेटरी जो है हमारा वो प्रवास करने वाली जो जानवर वगैरह होते हैं उनके लिए आएगा। अब बात करेंगे मोरोस की तो ये होता है दुखी, ग्लूमी। मेनियल की बात करेंगे तो ये सर्वाइल होता है, नौकर जैसा, या मीन, या लो ग्रेड, मतलब निचले स्तर का, तीसरे का आंसर चौथा है। चार की बात करेंगे मैनिफोल्ड, देखो इसमें हल्का सा मैनी का फीलिंग है, मैनी की फीलिंग, तो मैनिफोल्ड को यहीं से याद कर लो आप, ये होते हैं असंख्य, बहुत ज़्यादा। सिनोनिम पूछा है तो तीसरा, अगर एंटोनिम पूछते तो कौन सा होता, फ्यू, ये भी बन जाएगा एंटोनिम, कम मात्रा होती ना ये, स्मॉल अमाउंट। मेडियोकर की बात करेंगे तो ये वही है घिसा पिटा, ट्राइट, कॉमन प्लेस, चार का आंसर तीसरा है, ये होता है बहुत ज़्यादा असंख्य, असंख्य बहुत ज़्यादा इसका मतलब है। सेम मीनिंग माइरेड का भी होता है, तो माइरेड का मतलब भी होता है असंख्य, बहुत ज़्यादा, तो इसका सिनोनिम काउंटलेस भी है, जिसकी गिनती नहीं कर पाओगे इतना ज़्यादा है, अनंत भी है, लार्ज नंबर भी है, लेकिन एंटोनिम क्या है इसका, लिमिटेड, एंटोनिम पूछा ना यहाँ पर हमने, पाँचवें का आंसर चौथा है। बात करेंगे छः की तो मिलिटेट का मतलब होता है विरोध करना, के खिलाफ काम करना, तो सिनोनिम चाहिए अगर इसके तो ये होता है विरोध करना, मिलिटेट,
मिलिटेंट होगा तो वो अलग हो जाएगा फिर। तो सिनोनिम अपोद, सिनोनिम रजिस्ट, सिनोनिम हिंदर, लेकिन एंटोनिम रेनफोर्स, इसका मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। और ये जो है ये विरोध कर रहा है, देखो कमजोर करेंगे चीज़ों को, तो ये इसका एंटोनिम बन जाएगा, रेनफोर्स, मजबूती प्रदान करना। छः का आंसर चौथा है। सात की बात करेंगे, मेलिशियस, ये होती है दुर्भावना, दुर्भावना रखे हुए, तो इसके सिनोनिम चाहिए होते तो स्पाइटफुल सिनोनिम चाहिए होते, होस्टाइल सिनोनिम चाहिए होते, मेलवलेंट चाहिए था एंटोनिम, बेनवलेंट ये होता कृपालु, अच्छा। फिर आएंगे आठ नंबर पे, वुड यू लाइक मी, क्या तुम मुझसे चाहोगे, क्या तुम पसंद करोगे मुझसे कौन सा ये काम करवाना। देखो बच्चों, मीट मांस जो होता है, जो मांस का कीमा बनाना होता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बारीक पीसना जो होता है, तो ये काम मींस कहलाता है। नीड का मतलब तो आटा गूंदना होता है, आटा गूंथना, ठीक है ना। निट का मतलब बुनना होता है, स्वेटर वगैरह। और नेश का मतलब होता है दांत चबाना, गुस्से में जो दांत चबाते हैं वो नेश कहलाता है, ठीक। फिलहाल जो आंसर है इसका वो पहला है। अब कहीं पर आटा गूंदना हो तो ये लगा देना, स्वेटर बुनना हो तो ये लगा देना, दांत पीसना हो गुस्से में तो ये लगा देना, फिलहाल मींस लगा देंगे आप, ठीक। आठवें का आंसर पहला है। मडल का मतलब होता है कंफ्यूजन क्रिएट कर देना, भ्रमित कर देना, तो इसका मीनिंग लिख दूं पहले मैं जरा यहाँ पे, क्या था इसका मीनिंग, इसका मीनिंग था बच्चों कीमा बनाना, कीमा बनाना, टुकड़े कर देना छोटे छोटे उसके मीट के। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये मडल हो गया, ये हो गया बच्चों भ्रमित कर देना, भ्रम पैदा कर देना, तो भ्रमित करना हो गया। सिनोनिम चाहिए होता कंफ्यूज, सिनोनिम चाहिए होता परप्लेक्स, सिनोनिम चाहिए होता मिक्सअप, एंटोनिम ऑर्डरली क्रम में व्यवस्थित, आंसर नौ का चौथा। दस नंबर पाएंगे, द बॉडी इज वर, अच्छा सवाल है। देखो पहले तो ह्यूमिलिएटेड का मतलब समझ लो, ये होता है अपमानित करना, लज्जित करना किसी को, इसका तो कोई यहाँ पे यूज होगा नहीं। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना गुस्से वगैरह को किसी के, ठीक है ना। अब ये दो शब्द बच रहे हैं, तो इसका मतलब होता है क्षतिग्रस्त होना, जब बॉडी एक्सीडेंट में या किसी वजह से भी क्षतिग्रस्त हो जाए, चोट लग जाए, कुरूप हो जाए चेहरा, हड्डी वड्डी टूट जाए, मांस खट जाए वहाँ से, तो ये हो सब होता है उसमें। और एम्प्यूटेट का मतलब होता है बच्चों अंग काटना, ये मेडिकल ही होता है। अब आप बताइए, द बॉडीज वर, जो बॉडीज थी किसी एक्सीडेंट में या भूकंप में वहाँ पे, वर ब्लैंक बियॉन्ड रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि पहचानना, और बियॉन्ड हो गया सेपरे, पहचान नहीं हो पाएगी इतनी ज़्यादा, आंसर बच्चों पहला आएगा। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर ने काटा हो किसी का अंग या काटना पड़ गया हो, कुछ ऐसी बात नहीं मेडिकली। यहाँ तो यह है कि जो बॉडीज थे, जो शरीर थी, वो इतनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त थी कि पहचान नहीं हो पा रही थी, आंसर पहला ही होगा, दूसरा नहीं लगा पाओगे, अब इनकी ज़रूरत वैसी नहीं है। फिर आप यहाँ आएंगे तो देखो, डॉक्टर हैड टू, अब काटना पड़ा ना फर्स्ट फॉर्म, तो डॉक्टर को उसका आर्म, उसकी भुजा काटनी पड़ी उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, खून ज़्यादा निकल रहा था तो उसे काट दिया, वरना कोई रोग पैदा होता तो ज़्यादा बड़ा, आंसर दूसरा है। फिर आते हैं, आई एम टू टायर्ड, मैं इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ कि मैं कोई बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता, पुट अप विद, इसका मतलब होता है एंड्योर, सहन करना। अच्छा, अगर आपको लगता है इसके अलावा सब कुछ हो रहा सकता है तो बताओ, पुल ऑफ का मतलब तो होता है जीतना, यहाँ क्या करोगे आप, मैं इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ कि नॉनसेंस नहीं जीत सकता, मज़ा नहीं है। रन ओवर का मतलब होता है कुचलना, मैं इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ कि नॉनसेंस को कुचल नहीं सकता, ना। मेक आउट का मतलब होता है समझना, मैं इतना थका हुआ हूँ कि बकवास को समझ नहीं सकता, नहीं, मैं बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी ये चीज़, पुट अप विद आंसर है इसका। लेकिन अगला सवाल देखेंगे आप तो पुल ऑफ वही हो गया जीतना, पुट अप विद सहन करना हो गया, रन ओवर कुचलना हो गया, मेक आउट समझना हो गया, तो व्हाट डू यू स्टेटमेंट, तुम उनके कथन से क्या समझते हो, ये तो आएगा। व्हाट डू यू ब्लैंक ऑफ देयर स्टेटमेंट, तुम उनके कथन का क्या मतलब निकालते हो, मेक आउट समझना होता, नोट कर लेना ऐसा, अंडरस्टैंड होता है ये। चलिए, मैनिक्योर बच्चों ये होती है केयर ऑफ हैंड्स एंड नेल्स, नाखूनों के, हाथ के नाखूनों की, हाथों की उंगलियों की बहुत सावधानी से ख्याल रखना, साफ सुथरा रखना, ये मैनिक्योर कहलाता है। और ये काम अगर पैरों पर होगा फीट के लिए तो पेडिक्योर, पेडिक्योर में आएगा, ठीक है ना ये। और ए मैटर रिटन बाय हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। और डेट कैन बी कैरीड इन हैंड, जिसे ले जाया जा सकता है, तो याद है आपको पोर्टेबल आया था पीछे, पोर्ट वाले में, ये 14 का आंसर पहला हो जाएगा।
ये नाउन का भी रिविजन है और स्पेलिंग्स भी है बच्चों, फिनोमिनॉन्स नहीं होता है, अगर होता है तो ये होता है, या तो होता फिनोमिनॉन, नाउन के चैप्टर में पढ़ाया होगा सिंगुलर, या फिर होता फिनोमिना, तो होता बच्चों ये प्लूरल, लेकिन फिनोमिनॉन्स नहीं होता है। मेमोरेंडम में यहाँ ई गलत है, बस ध्यान रखना ए आएगा, मेमोरेंडम ज्ञापन होता है। और एक बात और सुनो, इसका प्लूरल मेमोरेंडम्स भी सही है, मैं बता दूं आपको, कभी मैंने ना बताया हो आपको, तो मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडम्स भी होता है एस लगा करके, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसका एक प्लूरल ऐसे भी बनाते हैं मेमोरेंडा, ये भी प्लूरल, दोनों सही है, ये पेपर में आ जाए तो काटना मत, ये भी। तो मेमोरेंडम सिंगुलर ए आएगा, गलत था, मेमोरेंडा प्लूरल और मेमोरेंडम्स भी प्लूरल, ये होता ज्ञापन। क्राइटेरियन में ऐसा हटा दो आप, या तो करो क्राइटेरियन, ये सिंगुलर हो गया मापदंड, या करो क्राइटेरिया, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो तो गलत था ना। अच्छा, हैंडकरचीफ्स होते हैं, रुमाल जो होते हैं, रुमाल जो जेब में रखते हैं, तो आंसर हमारा चौथा सही है। ये रूट वर्ड है हमारा जिसका नाम ईगो, ईगो का मतलब होता है घमंड, ऐसी फीलिंग कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा इस काम को, सबसे अच्छा मैं हूँ बस, तो इसे बोलते हैं घमंड। इससे कुछ चार पांच शब्द बन के आते हैं, जैसे अंतर जरूर जान लेना, एक हो गया ईगोटिस्ट, एक हो गया ईगोटिस्ट, ध्यान दे टीप है बच्चों, ये व्यक्ति वो होता है जो अपनी ही बातें करता रहता है, दूसरों की बातें नहीं सुनता, अपनी डींगे हांकता रहेगा, ईगोटिस्ट होता है, ज्यादातर खुद ही बोलता रहेगा, दूसरों की बातें नहीं सुनेगा। तो यहाँ पे टॉक पे ध्यान दो आप, अगर सवाल आ गया वन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने बारे में ज्यादा बातें करता है, तो बच्चों इन सब में आंसर ये होगा, नोट कर लेना इस चीज को। हल्का हल्का डिफरेंस है इसमें, माइनर सा, लेकिन आप ध्यान रखें जरूर इसका। अब आते हैं ईगोइस्ट, इसमें टी नहीं है, ये होता है वन हु थिंक्स हिमसेल्फ बेटर देन एनीवन, जो अपने आप को बहुत बढ़िया समझता है, चौड़े में रहता हो कि भाई हम जैसा कोई नहीं है, हम सबसे बढ़िया है, ये वो होता है, ये घमंडी है असली वाला, वो अपने बारे में बातें करता रहता है, वो भी घमंडी, सिनोनिम है एक दूसरे के। ये ईगो सेंट्रिक कौन होता है, थिंकिंग ओनली अबाउट वन सेल्फ, इसको जोड़ना जरूरी है, एंड नॉट अबाउट अदर पीपल, ये वो है जो अपने बारे में सोचता रहता है कि मेरा काम कैसे चले, दूसरों के बारे में से परवाह नहीं होती है, ये हो गया हमारा ईगो सेंट्रिक। तीसरा, तो ये वो जो अपने बारे में बातें करता, ये वो जो दूसरों को कुछ समझता ही नहीं है, ये वो जो दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है, बस अपना काम निकालता। फिर आएंगे हम यहाँ पे ईगोमेनिया, बच्चों मेनिया शौक होता, क्लेप्टोमेनिया होता है एक शब्द, चोरी की इच्छा, चोरी का शौक। तो ए मेंटल कंडीशन इन विच समबडी इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिमसेल्फ, ये हमारी मानसिक सोच होती है जिसमें हमें ये लगता है कि हम अपने आप को ही बेहतर माने, हम जो भी हैं हम ही हैं, हम अपने आप से प्यार करें, बाकी कुछ नहीं है, तो ईगोमेनिया होता है अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार। अल्टर ईगो का मतलब ये होता है, जैसे सुपरमैन या शक्तिमान, ये एक ही व्यक्ति होते थे लेकिन ये दो रूपों में रहते थे, जैसे शक्तिमान और गंगाधर, तो शक्तिमान और गंगाधर हमने देखा बाहर से तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन जो वो लोग मौजूद थे उस सीरियल में, उन्हें लगता है कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं ये, लेकिन वो व्यक्ति एक ही थे, तो वो एक दूसरे के अल्टर ईगो थे। जैसे मान लीजिए सुपरमैन में, वो सुपरमैन बन के आता मास्क लगा के, लेकिन जब तक वो सुपरमैन नहीं था साधारण सा व्यक्ति रहता, तो ये व्यक्ति एक ही है ना, ये अल्टर ईगो होता है। तो अल्टर ईगो मतलब नाम दो हैं, पहचान दो हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही है, तो वो एक दूसरे के अल्टर ईगो होते हैं। बस यहाँ के बात खत्म हो जाती है। तो इसका एक सिनोनिम ये भी है, अनदर साइड ऑफ वन सेल्फ, या क्लोन भी कर सकते हैं इसके लिए। बाकी बातें करूँगी आपसे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।